हेलो एवरीवन, साइमन दिस साइड। आज हम बात करेंगे कि हाउ टू एक्सपोर्ट मशरूम। अब मशरूम में कौन कौन से वराइटीज आते हैं, उसमें कहाँ कहाँ से सोर्सिंग होती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो बेसिक चीज़ हो गई। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन से बाय प्रोडक्ट्स है, विच मीन्स कि मशरूम के साथ आप कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट के साथ एंटर कर सकते हो ताकि आपको इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री अच्छे लेवल पर हो सकती है, एक न्यू लेवल पर, एंड एज वेल एज आप मार्केट ग्रैप करके अच्छी सेल कर सकते हो। इस वीडियो में अगर आप वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा सो दैट आई कैन क्रिएट मोर वीडियोस लाइक दिस। और एक दूसरे के साथ ग्रो करेंगे हम ऐसे, और एक दूसरे के साथ सीखेंगे कि कैसे चीज़ें होती है। सो लेट स्टार्ट। ठीक है, जब भी आप नए हो इस बिजनेस में एंटर करना चाहते हो मशरूम के साथ, दो चीज़ें आती है। एक तो आपके पास सोर्सिंग अवेलेबल हो, आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ से बाय करके उसका शेल्फ लाइफ कितना है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। उसके बाद लोगों को लगता है शेल्फ लाइफ कम है तो एकदम से एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, तो उसमें भी तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट आता है आपका क्या, मतलब एक फर्स्ट है आपका फ्रेश मशरूम एक्सपोर्ट करना, सेकंड आता है आपका ड्राई, और थर्ड आता है आपका प्रोसेस। जो फ्रेश मशरूम होता है उसकी शेल्फ लाइफ मैक्स टू मैक्स जाती है 3 से 4 दिन, डिपेंड है कि आप उसको कैसे रखते हैं। होने में उस मॉर्निंग में कल्टिवेशन है कि शाम तक भी पीला पड़ जाता है तो उसका रेट टूटता है देन। फिर आपको ये देखना है कि आप किस हिसाब से स्टोर कर रहे हो, उस हिसाब से उसके शेल्फ लाइफ, लाइक फ्रेश को 3 से 4 दिन में चला जाता है उसकी शेल्फ लाइफ है। सेकेंड आता है आपका ड्राई। ड्राई आपको इजीली यूज़ होता है, आपको जनरली आप यूज़ करते हो होटल्स में एंड आपके रेस्टोरेंट्स और एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए। थर्ड आता है आपका प्रोसेस मशरूम। प्रोसेस में आपका यूजुअली लोग एक्सपोर्ट में करते हैं, मैंने कुछ स्लाइड्स बनाए ताकि आपका कुछ स्किप ना हो। अब इसमें कौन कौन से टाइप्स आते हैं, इंडिया यूजुअली एक्सपोर्ट करता है बटन मशरूम, एक आता है ऑयस्टर मशरूम, और थर्ड आता है आपका पैडी स्ट्रॉ मशरूम। इसमें भी नंबर ऑफ वराइटीज़ है, बट इसमें लोगों ने उस नाम के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के ओरिजिन के हिसाब से नाम है उसके। तो हम सिर्फ बटन मशरूम पे, ऑयस्टर मशरूम एंड पैडी स्ट्रॉ मशरूम पे फोकस करेंगे। यूजुअली बटन मशरूम ही इंडिया से एक्सपोर्ट होता है ह्यूज अमाउंट पे। अब बात आती है कि सोर्सिंग, कि आप इंडिया के किसी भी कोने से हो, लाइक किसी भी स्टेट से हो, तो आपको ये पता है कि सोर्सिंग कहाँ से करना है, मैं बाय कहाँ से करूँगा। तो बिहार है, महाराष्ट्र है, आपका उड़ीसा है, हरियाणा है आपका, आपका उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। अब आपने अगर डेटा देखा होगा पुराना तो किसी और स्टेट का नाम आता है फर्स्ट नंबर पे, बट 2021 और 22 के हिसाब से बिहार स्टेट नंबर 1 पे है मशरूम एक्सपोर्ट में, ये लेटेस्ट डेटा के हिसाब से। आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो गूगल पे जाके। अब इसके अलावा सोर्सिंग का पता चल गया तो शेल्फ लाइफ का, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि फ्रेश का 3 से 4 दिन में चलता है, वैसे ड्राई का आपका 1 साल तक आप करवा सकते हो उसका, मतलब उसकी शेल्फ लाइफ 1 साल तक हो जाती है। और बाय प्रोडक्ट्स की बात होते हैं, मतलब आप उस मशरूम का यूज़ करके कौन सा ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो। तो जब बाय प्रोडक्ट्स की बात आती है तो डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली आप कौन से प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना चाहते हो, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, हर प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ अलग होगा। इसके अलावा आप जब भी इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करोगे या आपके बाय प्रोडक्ट्स, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके उसके ऊपर एक्सपायरी डेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं लिखोगे तब आपका पूरा कंसाइनमेंट कस्टम में स्टक हो सकता है। तो ऑलवेज रिमेंबर मैन्युफैक्चर के डेट के साथ आपको एक्सपायरी डेट लिखना ही लिखना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके अलावा शेल्फ लाइफ होने के बाद मेन आता है आपका बाय प्रोडक्ट्स, कि हर कोई एक्सपोर्टर अगर मशरूम्स एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो यूजुअली वही कर रहा है जो बाकी के एक्सपोर्टर कर रहे हैं। तो आप अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट कैसे बनाओगे, आप नया मार्केट में क्या इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बाय प्रोडक्ट्स में सबसे पहला आता है कि मशरूम के बिस्किट्स मार्केट में अवेलेबल है, आप इसको सर्च कर सकते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी आपको ईजिली मिल जाएंगे, बट ये चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं नहीं हो सकती, तो ध्यान से सुनना। मशरूम के बिस्किट्स बनते हैं, मशरूम का सूप पाउडर है, मशरूम के नगेट्स आते हैं, मशरूम के पापड़, मशरूम पिकल, मशरूम का मुरब्बा बनता है, मशरूम कैंडीज, मशरूम चिप्स, मशरूम बेस्ड आपका सॉसेजेस हो गया, और मशरूम बेस्ड आपके इंस्टेंट नूडल्स हो गया। इसके अलावा आप फूड इंडस्ट्री में काम करता है मशरूम का यूज़ होता है, फिर उसके बाद आपके पास प्रोसेस फूड एंड बायोमेडिकल के पर्पज़ के लिए काम आता है। जितने में आपको मैंने बायो प्रोडक्ट्स बताए, इसकी एग्जैक्टली मार्केटिंग करना इज़ डिफरेंट, क्योंकि हर प्रोडक्ट का सेगमेंट अलग है, आप हर सेगमेंट के हिसाब से अलग अलग जगह पे आप इसको सेल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बेसिक बता रहा हूँ, जैसे आप इसको रेस्टोरेंट्स में बेच सकते हो, ठीक है, सुपर लाइक होते हैं ना, स्पेशली फूड स्टोर्स होते हैं वहाँ पे कर सकते हो, आप इसको सुपरमार्केट और हाइपरमार्केट में सेल कर सकते हो। सुपरमार्केट एंड हाइपरमार्केट आर बोथ डिफरेंट थिंग्स,
तो ये एकदम बेसिक हुआ, बहुत बेसिक बताया हर प्रोडक्ट के हिसाब से। अगेन रिपीटिंग, मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ कि हर प्रोडक्ट का अलग मार्केट है, हर प्रोडक्ट के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से मार्केटिंग अलग होता है, तो इसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं, तो पहला तो यूएसए, नीदरलैंड, जर्मनी, यूएई एंड फ्रांस। अब ये सब पता होने के बाद आप ये सोचोगे कि मुझे डॉक्यूमेंट्स कौन सा लगेगा मशरूम के लिए। सिंपल है, आपको अपेडा के RSMC लेनी पड़ेगी, विच इज़ अ मैंडेटरी। उसके बाद आप, अगर आप यूएस और यूरोपियन कंट्री में बेच रहे हो, देन आपको FDA और BRC का सर्टिफिकेट लग सकता है। उसके बाद आपका लैब रिपोर्ट्स चाहिए आपके पास, सर्टिफाइड, जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड है उससे आपको लैब की टेस्टिंग रिपोर्ट्स मंगवा सकते हैं, और फसाई का। इसके अलावा अगर मशरूम में एंटर करना है तो आपको गवर्नमेंट के क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट बेनिफिट इज ड्यूटी ड्रॉबैक, जो आपको मिलता है 0.15%। सेकेंड आता है आपका MEIS, 5% मिलता है डिपेंडिंग ऑन आप कौन से कंट्री में सेल आउट कर रहे हो, तो एक बार वो क्रॉस वेरीफाई करना है। उसके बाद TMA स्कीम्स मिलती है। आई होप आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को थोड़ा सा समझ आया होगा। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं एंड यू कैन आस्क मी जो भी आपका क्वेश्चंस हो गया। और मेरा पर्सनल नंबर, तो मैं डायरेक्टली आपसे कनेक्ट कर पाऊंगा उस चीज़ में। और आप अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बारे में कुछ भी जानना है या तो सीखना है, स्पेशली एक्सपोर्ट मार्केटिंग के बारे में, मेरे 1-to-1 सेशंस होते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गिव मी अ कॉल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू गाइस।